इसराइल पर हमले का प्लान तैयार किया था, तो वहीं हमास ने इसराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चों की आड़ लेनी शुरू कर दी। हमास के हैवानों का डर्टी प्लान। दो कमांडरों का चाइल्ड प्ले। हमास ने इसराइल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब इसराइल के जवाबी हमले से गाजा पट्टी में डर का माहौल है। इसराइल हमास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले के मास्टरमाइंड के बंकर को ढूंढ निकाला है। हमास के दो टॉप कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हैं और इन्हीं की तलाश में इजरायल की सेना लगातार गाजा शहर में हमलों को अंजाम दे रही है। इसमें शामिल है गाजा में हमास का कमांडर याया सिनवार और दूसरा इस हमले का पूरा प्लान तैयार करने वाला मोहम्मद दई। अब तक हवाई हमलों में इसराइल ने हमास के कई कमांडरों को जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन अभी ये तलाश पूरी नहीं हुई है। अगर हमास को गाजा में जड़ से समाप्त करना है तो इन दो चेहरों का नामो निशान मिटाना होगा और इजरायली सेना ने हमास के इन दो शातिर कमांडरों याया सिनवार और मोहम्मद दईफ को ठिकाने लगाने की कसम खा ली है। मोसाद को मिल गए इजरायल के गुनहगार। मास्टरमाइंड के ठिकाने मोसाद के टारगेट पर। सूत्रों के मुताबिक मोसाद को पता चल चुका है कि हमास के ये आका किस बिल में छिपे हैं और उन्हें उनके बिल से बाहर निकालने और आतंक के जाल को नेस्तोनाबूद करने के लिए इसराइल की सेना ने प्लान बना लिया है। इसराइल की सेना ने 10 दिनों में ही गाजा पट्टी में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इसराइल के भयानक हमलों की तस्वीरें डराने वाली है। इसराइल लगातार गाजा के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को ढूंढ कर उसे तबाह कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने टॉप दो दुश्मनों के ठिकानों को भी ढूंढ निकाला है। जानिए कि ये दोनों कौन है। याया सिनवार गाजा में हमास का प्रमुख है, मोहम्मद दईफ हमास का मिलिट्री चीफ है। 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया, दईफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले को प्लान किया। याया सिनवार और मोहम्मद दईफ की पिछली जिंदगी की कहानी अमूमन एक जैसी है। दोनों ने इसराइल की जेल में अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा है। दोनों अपने आप को इसराइल का सताया हुआ बताते हैं और दोनों के अंदर यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और दोनों इसराइल को खत्म करके पूरे इसराइल में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और इन्हीं दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। हमास के आकाओं का बच्चा प्लान, सेना से बचने के लिए बनाई बच्चों की ढाल। दोनों आतंकियों ने अपने प्लान में बच्चों का ढाल बनाया है। खुद को बचाने के लिए और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए याया सिनवार और मोहम्मद दईफ ने बच्चों को आगे कर दिया और एक ऐसी विंग तैयार की जिन्हें फ्रंट पर रखकर खुद को बचाने की साजिश रची। हमास ने छोटे बच्चों की एक लड़ाकू फौज बनाई, बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर सुरक्षा घेरा तैयार किया। सिनवार और दईफ के साथ रहते हैं फौजी बच्चे। दईफ और सिनवार ने अपने ठिकानों पर बंधकों को भी रखा है। दरअसल खुद को बचाने के लिए दोनों कमांडरों ने जो घेरा तैयार किया है वो बहुत ही खतरनाक है और इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर सकती है, क्योंकि इजरायली सेना बेकसूर बच्चों और महिलाओं पर गोली नहीं चलाना चाहेगी, ना ही उन्हें मारने की कोशिश करेगी। अपने सुरक्षा घेरे में याया सिनवार और मोहम्मद दईफ ने बंधकों को पहली पंक्ति में रखा है, यानी पहले घेरे में वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकी इसराइल से अगवा करके लाए थे। दूसरे घेरे में बच्चों की फौज है जो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं और हमास के कमांडरों के सामने ढाल की तरह भी खड़े रह सकते हैं। सिनवार ने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरों को भी जारी किया है। तस्वीरों में सिनवार के गोद में एक बच्चा दिख रहा है। तस्वीर में बच्चे के हाथ में बंदूक देखी जा सकती है। इसके अलावा इजरायली खुफिया और सैन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बच्चों के कुछ और फोटो भी लगे हैं जो सिनवार और दईफ के बच्चा फौज में शामिल है। इसराइल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी बच्चों की जान बचाकर दोनों आतंकियों को मारने का प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही इजरायली सेना ऐसे कदम उठा रही है जिससे बंधकों को भी नुकसान न पहुंचे। आतंकी सरगना सिनवार को यह अच्छी तरह से पता है कि इसराइल अपने नागरिकों और बंधकों को किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। यही वजह है कि उसने अपने सुरक्षा के घेरे में इसराइली बंधकों को भी रखा हुआ है।